तो उसकी मंदिर मौजूद है। 500 साल दरगाह, इसको बोले दरगाह नहीं है तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। ये चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर भिजाते हैं। हमारे उसमें जो दो ममालिक हैं कंट्री, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है, जो इंडियन डायस्पोरा है रकीदत रखाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की और गरीब नवाज की दरगाह दरगाह नहीं है, कहाँ रुकेगा? उसके नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई, फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ, फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपए में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो दो ममालिक हैं कंट्रीज हैं उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है, जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दरगाह नहीं है, कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या आप डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने? ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहसे प्रधानमंत्री की वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली तारुक बीजेपी RSS से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा 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 फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर CO रहेगा, SDM होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई वहां पर, मर्डर हो किया गया उन लोगों को। गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग के सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी ही कह रही है कि मुस्लिम लीग के सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए, वहां पर प्रशासन ने कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे वो लोग, जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। बांग्लादेश देखिए, आज तो एजेंडे में आया है कि उसको मोशन लाया गया है,
देखिए वो क्या, अभी तो बोलना है, देखने वो जब आएगा तो 12 बजे पता चलेगा। भारत सरकार ने अपना अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायद करते हैं। MEA ने जो दिया है